Hello students, good morning. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. आज हम हमारी ये जो इंग्लिश की नोटबुक है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स करने वाले हैं. एच ओ आर एस ई डी ओ एन के ई वाई डोंकी CAMEL camel ELEPHANT CODOGFOX RABBIT rabbit CAT cat SHEEP sheep. Okay, मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ इसमें, क्योंकि ये हमने एक बार कर लिया है, हम इसका रिवीजन कर रहे हैं. ओके, फिर नेक्स्ट है एम ओ एन के ई वाई डी डबल ई आर टी आई जी ई आर टाइगर एंड एल आई ओ एन लायन. ओके, आ गया सभी को समझ में. अब ये एनिमल्स एंड देयर साउंड्स है, ये आपको ब्लैंक्स की तरह भी कई कुछ एग्जाम में पूछ सकते हैं और ए एंड बी मैच कर के भी पूछ सकते हैं. ओके, गोट ब्लैट, डोंकी ब्रे, शीप ब्लैट, काउ मू, पिग ग्रंट, डॉग बार्क, लायन रोर, cat mew, bee buzz, camel grunt, chicken cluck and rooster kukre coo. Duck quack, elephant trumpet, frog croak, bird whistle, horse neigh, monkey whoop and rabbit squawk. अब यूनिट थ्री के हेड वर्ड्स हम देखेंगे. एल आई डबल टी एल ई लिटल, के आई डबल टी ई एन किटन, बी आई जी बी, सी ए टी कैट, बी ए बी वाई, बी यू डबल टी ई आर एफ एल वाई बटरफ्लाई, बी आई जी बी, R A T S rats, S A D sad, S E A L S seals, S I double L Y silly, and S E A G U double L S seagulls, H A double P Y happy, W E L S ills, N E R V O U S nervous. L I Z A R D lizard, B R A V E brave, B E E S bees, S M E L Y smelly, E L E P H A N T elephant, F A T fat, F L E A S fleas, A L I G A T O R S alligators and D O N K E Y donkey. ओके, ये तो ये सभी है वो हार्ड वर्ड्स है यूनिट टू की जो पोएम है उसके. ओके, आज हम यूनिट वन की ये जो पोएम है उसका रिवीजन करेंगे. अ हैप्पी चाइल्ड, माय हाउस इज रेड, मेरा घर है वो रेड है. अ लिटल हाउस, छोटा सा घर. आई एम हैप्पी, अ हैप्पी चाइल्ड एम आई, मैं एक हैप्पी चाइल्ड हूँ. आई लाफ एंड प्ले द होल डे लॉन्ग, मैं पूरा का पूरा दिन खेलती हूँ एंड हंसती हूँ. आई हार्डली एवर क्राई, मैं कभी ही रोती हूँ. आई हैव अ ट्री, अ ग्रीन ग्रीन ट्री, मेरे पास एक ट्री है वो ग्रीन ग्रीन है. टू शेड मी फ्रॉम द सन, वो मुझे सन से बचाता है, छाँव देता है.
एंड अंडर इट आई ओफन सिट, मैं कभी कभी उसके नीचे बैठती हूँ। व्हेन ऑल माई प्ले इज डन, जब मेरा पूरा खेलना है वो ख़त्म हो जाता है, तब मैं कभी कभी उसके नीचे बैठती हूँ। माय हाउस है वो रेड है, देखो आपको यहाँ पे रेड हाउस दिखाई देता है, अ लिटल हाउस, छोटा सा घर है। अ हैप्पी चाइल्ड आई एम, मैं एक हैप्पी चाइल्ड हूँ। आई लव एंड प्ले होल डे लॉन्ग, मैं पूरा दिन हंसती हूँ एंड खेलती हूँ। आई हार्डली एवर क्राई, मैं कभी कभी ही रोती हूँ। आई हैव अ ट्री, अ ग्रीन ग्रीन ट्री, मेरे पास एक ट्री है, पेड़ है एंड वो ग्रीन ग्रीन है। टू शेड मी फ्रॉम द सन, वो मुझे सन से बचाता है एंड छांव देता है। एंड अंडर इट आई ऑफन सीट व्हेन ऑल माई प्ले इज डन, कभी कभी मैं उसके नीचे बैठती हूँ। कब? तो कि जब मेरा सारा खेलना ख़त्म हो जाता है तब मैं उसके नीचे बैठती हूँ। ओके, आ गई ये पोएम सभी को समझ में? वेरी गुड। एक बार हम ये वीडियो है वो ये पोएम है वो रीड करेंगे। जो जो बच्चों की ये जो रीडिंग वाला वीडियो नहीं आता है उसको मुझे आज फिर से सेंड करने हैं। ओके, एंड हाँ, हमने जो होमवर्क दिया है आज का वो आप 2 या 3 दिन में मुझे सेंड कर सकते हो। कंपलसरी नहीं है कि आज ही आपको मुझे लिख कर भेजना है। ओके, हमारा इंग्लिश एंड इंग्लिश ग्रामर का कोई भी होमवर्क आप 2 या 3 डेज में मुझे सेंड कर सकते हो। माय हाउस इज रेड, अ लिटल हाउस, अ हैप्पी चाइल्ड एम आई, आई लव एंड प्ले द होल डे लॉन्ग, आई हार्डली एवर क्राई, आई हैव अ ट्री, अ ग्रीन ग्रीन ट्री, टू शेड मी फ्रॉम द सन एंड अंडर इट आई ओफन सिट व्हेन ऑल माई प्ले इज डन। ओके, तो अब हम देखते हैं हमारी नोटबुक में फिर से एक बार कि हमें होमवर्क में क्या करना है। आज हमने टेस्ट का भी रिवीजन किया है एंड हमारे इंग्लिश में जो हमने यूनिट 1 किया है उसका भी हमने रिवीजन कर लिया है ताकि आपको टेस्ट की भी एक बार प्रिपरेशन हो जाए। देखो ये भी हमने टेस्ट के लिए रिवीजन किया है, ये भी टेस्ट के लिए रिवीजन है एंड ये यूनिट 3 के कुछ न्यू वर्ड्स है वो हार्ड वर्ड वो हमने लिखे हैं। ओके, तो आज हम इतना ही रखेंगे। ओके, थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ, बाय बाय।